Hello everyone and welcome to our channel Extra Learning. So before we begin, please do subscribe this channel for further more videos and press the bell icon. And don't forget to do comment if you have any query or any doubt. तो आज हम लोग करेंगे क्लास फाइव का. ये क्लास फाइव का पर्यावरण और हम की किताब है बिहार बोर्ड का और इसका सेकेंड लेसन है खेल. खेल का क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो आइए करते हैं. ये क्लास फाइव का लेसन टू है और इस चैप्टर में ऐसा है कि चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. तो हम लोग वो सारे क्वेश्चन आंसर को करेंगे. आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. तो आइए करते हैं. नंबर 12 पे पहला क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से खेल हैं जिनमें आपकी कक्षा के सभी बच्चे एक साथ भाग ले सकते हैं, सूची बनाइए. इसका मतलब ये हुआ कि कौन कौन से खेल हैं जिसमें हमारे कक्षा में अगर मान लीजिए कि 15 लोग हैं, 20 लोग हैं या उससे भी ज़्यादा हैं, तो सारे बच्चे उस खेल को खेल सकते हैं. ऐसा कौन कौन सा खेल है? क्योंकि अगर हम लोग बोलते हैं लूडो या कैरम बोर्ड तो इसमें चार ही लोग खेल पाएंगे. तो फिर ऐसे कौन से खेल हैं जिसमें कक्षा के सभी बच्चे खेल पाएंगे? तो इसका आंसर होगा कि ऐसे खेल निम्नलिखित हैं जिनमें हमारी कक्षा के सभी बच्चे एक साथ भाग ले सकते हैं. चिड़िया उड़, पंजा लड़ाना, खो खो, पोशंपा, म्यूजिकल चेयर, अंताक्षरी, वर्ड पजल गेम, कंचे, आँख मिचोली और डमसराड. अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी खेल जानना होगा कि वो कैसे खेलते हैं या उसके नियम क्या हैं, तो फिर इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का वेट कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाऊं. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगले पेज पे है. आप कौन कौन से खेलों के नाम जानते हैं, सूची बनाइए. इसमें बहुत लंबा लिस्ट हो सकता है, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है. क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हम लोग कौन कौन से खेल के नाम जानते हैं, इसका एक लिस्ट बनाना है. तो आइए आंसर लिखते हैं. हम निम्नलिखित खेलों के नाम जानते हैं, कैरम बोर्ड, लूडो, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, गिल्ली डंडा, लट्टू, कंचे और कबड्डी. आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा अगला क्वेश्चन है, कुश्ती के खेल में कितने दल होते हैं? कुश्ती का जो खेल होता है उसमें कितने दल होते हैं, यानी कि कितनी टीमें होती हैं? तो कुश्ती के खेल में दो दल होते हैं. आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ऐसे कौन कौन से खेल आप खेलते हैं जिनमें सिर्फ दो व्यक्ति होते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को इस क्वेश्चन में उन खेलों का नाम लिखना है जिसमें केवल दो ही व्यक्ति खेलते हैं, दो ही इंसान खेलते हैं. तो ऐसे निम्नलिखित खेल हैं जिनमें सिर्फ दो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि शतरंज, बैडमिंटन और पंजा लड़ाना. पंजा लड़ाना ध्यान दीजिएगा, इसमें चाहें तो सारे लोग भी खेल सकते हैं या फिर दो दो के ग्रुप में करके, मतलब ऐसे भी खेला जा सकता है. तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. दो से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि कौन कौन से खेल हैं जो दो से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ खेले जाते हैं. तो इसका आंसर होगा कि दो से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा निम्नलिखित खेल खेले जाते हैं, राजा मंत्री चोर सिपाही, चिड़िया उड़, सांप सीढ़ी, कैरम बोर्ड, स्टोन पेपर सीजर, स्टैच्यू, लुका छिपी, लूडो, वर्ड पजल गेम, डमसराड और अक्कड़ बक्कड़. अगर आप लोगों को जानना है कि इसमें से ये सारे जो खेल हैं वो कैसे खेलते हैं, उनके नियम क्या हैं, तो फिर मैं फिर से बता दूं कि आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा और इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का इंतज़ार कीजिएगा. आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो आपके माता पिता अपने बचपन के दिनों में खेलते थे, पता करके लिखिए. तो इसका आंसर होगा
कि ऐसे निम्नलिखित खेल हैं जो मेरे माता पिता बचपन में खेलते थे। लुका छिपी, उक्का बुक्का और भी बहुत सारे खेल आप इसमें लिख सकते हैं, अपने माता और पिता से पूछ करके वो बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे, वो सारे खेल यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पेज पे है। ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो आपके माता पिता नहीं खेलते थे पर आप खेलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को उन खेलों के नाम लिखने हैं जो माता पिता हमारे नहीं खेलते थे लेकिन हम लोग खेलते हैं। तो आइए इसका आंसर करते हैं। ऐसे खेल निम्नलिखित हैं जो मेरे माता पिता नहीं खेलते थे पर हम खेलते हैं। पबजी, एसफाल्ट 9, वेस्ट एंड फाइटर, टेंपल रन, एंग्री बर्ड। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुखदा की इस सूची से पता कीजिए कि कौन कौन से खेल ऐसे हैं जो घर में खेले जा सकते हैं और कौन कौन से खेल घर के बाहर खेले जाते हैं। यहाँ पे ऊपर में लिस्ट दिया हुआ है, ये लिस्ट सुखदा ने बनाया है। इस सारे गेम में कुछ खेल जो हैं वो घर में खेले जाते हैं और कुछ घर के बाहर खेले जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि घर में खेले जाने वाले खेल को अलग लिखना है और बाहर खेले जाने वाले खेल को अलग लिखना है, यहाँ पे जितने भी खेल दिए हुए हैं उन सभी में से। तो आइए करते हैं। घर में खेले जाने वाले खेल होंगे लूडो, कैरम बोर्ड, गुड्डा गुड़िया, कुर्सी दौड़, सुई धागा, और बाहर खेले जाने वाले खेल होंगे हॉकी, नौका दौड़, खो खो, क्रिकेट, तलवारबाजी, गिली डंडा और कबड्डी। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है। अपने आसपास खेले जाने वाले खेलों की सूची बनाइए। यहाँ पे हम लोगों को वैसे वैसे खेलों का लिस्ट बनाना है जो हम लोगों के घरों के आसपास या आसपास में कहीं भी खेला जाता है। तो इसका आंसर होगा कि मेरे आसपास के खेले जाने वाले, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। मेरे आसपास खेले जाने वाले खेलों के नाम निम्नलिखित हैं, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, कबड्डी, फुटबॉल। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उनमें से कौन सा खेल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊपर जो भी आप लिस्ट बनाए हैं गेम का, उसमें से कौन सा खेल आपको पसंद है और क्यों पसंद है। तो फिर मैंने इसका आंसर लिखा है कि क्रिकेट। और क्यों अच्छा लगता है, इसका आंसर होगा क्योंकि इस खेल को खेलने में मैं बहुत आनंदित होता हूँ। अगर लड़की होंगे तो लिखेंगे क्योंकि इस खेल को खेलने में मैं बहुत आनंदित होती हूँ। बनाई गई सूची में से किसी एक खेल के बारे में पता करके लिखिए। ऊपर जो भी खेल का नाम हम लोगों ने लिखा है, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, कबड्डी और फुटबॉल, इसमें से किसी भी खेल के बारे में नीचे लिखना है। तो मैंने लिखा है क्रिकेट के बारे में क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद है। तो खेल का नाम हो जाएगा क्रिकेट। कितने व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक टीम में 11 लोग होते हैं, फिर दूसरी टीम में 11 लोग होते हैं, मतलब टोटल 22 प्लेयर्स होते हैं, 22 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितने व्यक्तियों के द्वारा खेला जाता है। तो अगर हम लोग 22 लिखेंगे तो ये कुल खिलाड़ी की संख्या होगी, और अगर हम लोग 11 लिखेंगे तो ये एक टीम के खिलाड़ियों की संख्या होगी। तो अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है ये, खेल के नियम क्या हैं, मतलब क्रिकेट खेलने में खेल के नियम क्या हैं। तो इसका आंसर होगा कि खेल के नियम निम्नलिखित हैं। पहला, बॉल विकेट पर लगेगा तब आउट माना जाएगा। दूसरा, बॉल खिल कर आएगा बाउंड्री पार तब 6 रन मिलेंगे। तीसरा नियम, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं। चौथा नियम, वाइट फेंकने पर गेंद नहीं जुड़ता है। और पांचवा नियम, गेंद पड़क कर आएगा बाउंड्री पर तब 4 रन मिलेंगे। जो लोग भी क्रिकेट खेलते होंगे उन लोगों को ये सारे नियम समझ में आ जाएगा।
आप लोग को जो भी खेल पसंद होगा, जिसके बारे में पता होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या यह किसी निश्चित दिन या पर्व पर खेला जाता है? ऊपर जो हमने जिस खेल के बारे में जिक्र किया है यानी क्रिकेट, तो क्या क्रिकेट कोई ऐसे निश्चित दिन या फिर पर्व पे खेला जाता है? तो इसका आंसर होगा कि नहीं, यह खेल किसी निश्चित दिन या पर्व पर नहीं खेला जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा खेल लिखेंगे और वो किसी अगर पर्व पे खेला जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्शल आर्ट के बारे में अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके लिखिए। इस चैप्टर में इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि मार्शल आर्ट क्या होता है, तो ये आपके चैप्टर से ही मैंने आंसर लिखा है। यहाँ पे देखिए, गतका एक मार्शल आर्ट। तो आइए इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन ये है कि मार्शल आर्ट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, उसी को लिखना है। तो गतका एक मार्शल आर्ट है, यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था, उसी दौरान गतका खेला जाता था। गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है, यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। सिख समुदाय के लोग वैशाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। इस खेल में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के भी लोग खेलते हैं। यहाँ पे भी छूट गया है, के बाद आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है और क्वेश्चन है कि नीचे एक खेल की जीत का जश्न मनाते हुए चित्र दिखाया गया है, चित्र को देखकर बताइए। इस चित्र को देख के हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये कौन सा खेल है, क्रिकेट। इनके यूनिफॉर्म को भी देख के हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्रिकेट है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर करने हैं कि कौन सा खेल है ये, तो क्रिकेट हो जाएगा। कितने व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है, तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, अगर हम लोग 22 लिखते हैं यानी कि कुल खिलाड़ियों की संख्या 22 होगी, और अगर हम लोग 11 लिखते हैं इसका मतलब कि एक टीम में 11 लोग होंगे। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को अलग अलग दे दिया है, कितने व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22, और एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं यानी एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। खेल के बारे में अन्य बातें जो आप जानते हो, तो यहाँ पे मैंने पिछले आंसर के ही जैसे लिखा है, खेल के बारे में और आप जो भी चीज़ जानते होंगे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 नियम मैंने लिख दिया है, पीछे वाले क्वेश्चन में था। तो पहला होगा, बॉल विकेट पर लगेगा तब आउट माना जाएगा। दूसरा, बॉल खिल कर आएगा बाउंड्री पार तब 6 रन मिलेंगे। तीसरा, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं। चौथा, वाइट फेंकने पर गेंद नहीं जुड़ता है। और पांचवा, गेंद पड़क कर आएगा बाउंड्री पार, यहाँ पे मिसप्रिंट है, पार कर लीजिएगा इसको, गेंद पड़क कर आएगा बाउंड्री पार तब 4 रन मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी ख़त्म होता है।